कैसे हैं राधे राधे। और अभी हम लोग जा रहे हैं आज मेला देखने के लिए जो गांव देवी मंदिर में लगा हुआ है। और मैंने आपको अष्टमी शीतलाष्टमी में आपको मंदिर दिखाया था ना, वो हमारे घर के पास में ही है, उसी में ही आज मेला लगा हुआ है। काफी दिनों तक लगा रहेगा तो आज हम मेला देखने के लिए जा रहे हैं और आपको भी दिखाते हैं। तो चलिए। और ये देखिए यहाँ पे हम लोग आ गए हैं अंदर मेले में। और ये अंदर का है, मतलब मंदिर मंदिर की जो बाउंड्री है ना अंदर वहाँ, और मंदिर के बाहर भी बहुत सी दुकानें, मतलब हर चीज़ मेले में मिल रही थी। कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो नहीं मिल रही थी, वो बाउंड्री के बाहर मिल रही थी। और बाहर तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी, अंदर पूरे झूले वगैरह लगे हुए थे, इसलिए आप लोगों को कम लोग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बाहर बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और आप तो जानते ही हैं कि औरतों की कमजोरी क्या होती है, बस चूड़ी मेकअप, तो मैं तो बस यहीं रुक गई चूड़ियाँ देख के। और ये देखिए कितनी प्यारी प्यारी चूड़ियाँ, और ये लोग भी एक ही रेट लगाए हुए थे, मतलब कम नहीं बिल्कुल भी। तो ये सब मैं ट्राई कर रही थी, मतलब पहन पहन के देख रही थी, अच्छी लगेगी तो ले लूँगी। और यहाँ पे बहुत, मतलब दुकानें बहुत थी, और लेडीज़ का सामान तो कुछ ज़्यादा ही मिल रहा था। यहाँ पे ये भूत का लगा हुआ था, और हम सारी दुकानें देख रहे थे, मतलब देखते हुए ही फिर हम उसके बाद मंदिर में गए। ये देखिए ये क्लिप सिर्फ 30 रुपए की एक, मतलब जोड़ी भी नहीं दे रहे थे बच्चों की क्लिप, 30 की सिर्फ एक बताया उसने। तो अगर 30 की जोड़ी देता तो चलो तो भी बात समझ में आती, 30 रुपए की सिर्फ एक क्लिप, तो भाई कौन लेगा इतना महंगा। मतलब महंगाई ने तो वैसे भी हद कर रखी है, मतलब बहुत सामान महंगा, मतलब बहुत ज़्यादा दे रहे थे ये लोग। फिर हम सब ये देखते हुए मंदिर मंदिर के अंदर गए थे। यहाँ पे भी मेरे को चूड़ियाँ अच्छी लग रही थी, तो बस मेरे तो पैर वहीं रुक जाते हैं, और बच्चे हैं वो मुझे बोले मम्मी चलो मम्मी चलो। और ये आ गया हमारा मंदिर, गांव देवी मंदिर। उस दिन तो मैं आपको दर्शन नहीं करा पाई थी ना, शीतलाष्टमी वाले दिन बंद था मंदिर। ये है मंदिर देखिए, और बहुत सुंदर मंदिर है ये, चारों तरफ माता यहाँ पे हैंगी बैठी हुई हैं। अभी मैं आपको और ये देखिए ये सारी माता बैठी, बीच में गांव देवी माता बैठी हुई हैं, और मंदिर के चारों ओर ये सारी माताएं बैठी हैं। ये देखिए कितनी सुंदर, मतलब लग रही हैं, इनका श्रृंगार देखिए कितना अच्छा हुआ है। और महाराष्ट्रन लोग तो बहुत ज़्यादा मानते हैं, मतलब गांव देवी माता को बहुत बहुत ज़्यादा मानते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ मंदिर में होता ही रहता है, भजन कीर्तन सब होते रहते हैं। ये देखिए और यहाँ पे लाइन लगी हुई थी दर्शन करने के लिए, हम तो फिर भी जल्दी आ गए थे, तो बाद में तो बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। ये है गांव देवी माता जो बीच में विराजमान है, दोनों माता देखिए आपको मैं बिल्कुल पास से दर्शन करा रही हूँ। ये देखिए इस
और दर्शन करने के बाद फिर हम लोग आ गए यहाँ पे कुछ खाने के लिए। तो यहाँ हमने खाया था मंचूरियन, क्योंकि मैंने पहली बार बच्चों को खिलाया है मेले के अंदर। क्योंकि मेले में तो क्या, आप लोग जानते हैं ना कि मतलब पैसे भी बर्बादी और स्वाद भी नहीं होता है, और फिर ऊपर से धूल मिट्टी सब उल्टा सीधा बनाते हैं। फिर उसकी वो खाने के बाद बच्चों ने गोला खाने की जिद करी, फिर मैंने लोग को गोला खिलाया। और आप लोग को पता है ना, गोला देख के हमें हमारा बचपन याद आ जाता है कि जब हम छोटे थे तो हम वो मिट्टी के दीपक में गोला बना के देते थे बर्फ़ को घिस के। आहा, वो तो कुछ अलग ही उसका स्वाद होता था। और यहाँ पे मिल रहे थे आर्टिफिशियल गजरे, जो बहुत फेमस है, यहाँ पे लगाते हैं सब लोग। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी घर। घर पे आए तो हम लोग, मतलब काफ़ी टाइम हो चुका था, फिर खाना तो बनाना ही है, तो फिर मैंने काशीफल की सब्ज़ी बनाई। और आप लोग बोलोगे कि इतनी नॉर्मल सी सब्ज़ी, लेकिन ये क्या है कि सब अपने अपने मेथड से बनाते हैं, और मैं अपना मेथड आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक बार इस मेथड से बनाइएगा तो शायद आपको बहुत अच्छी लगे। तो इसमें मैंने ना इसमें मैंने बंगाली छौंक डाली सबसे पहले तेल में। तो बंगाली छौंक हम लोग कैसे बनाते हैं, राई, जीरा, मेथी, कलौंजी और सौंफ, इसको मिक्स करके हम इसका तड़का लगाते हैं, और उसके बाद काशीफल डाल देते हैं और उसे अच्छे से भून लेते हैं। और उसके ऊपर फिर नमक, मिर्ची, धनिया, फिर वो जो सारे नॉर्मल मसाले होते हैं ना, नमक, हल्दी, धनिया, मिर्ची, बस ये डाल के और फिर उसे छोड़ देते हैं पकने के लिए। एक बार आप लोग इस मेथड से बनाएंगे ना काशीफल, और बहुत स्वादिष्ट बनती है सब्ज़ी। और ये सबसे अच्छी तो पूड़ी के साथ लगती है। एक बार प्लीज़ आप लोग ज़रूर बना के देखिएगा बंगाली छौंक के साथ, फिर देखिए आपको कितना अच्छा लगता है। पराठे और पूड़ी के साथ खाइएगा। और फ्रेंड्स, बस आज के लिए इतना ही। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि कुछ लोग वीडियो देखते तो हैं लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज़ आपसे विनती है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फिर एक नए ब्लॉग के साथ आप लोगों से मिलेंगे, इसलिए राधे राधे दोस्तों एंड शुभ रात्रि।